फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। तो अभी मैं रिसेंटली गांव आया हूं और गांव में काफ़ी कोहरा है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो ज़्यादा कोहरा है, काफ़ी ठंड है, जिसके चलते यहाँ टेम्परेचर काफ़ी डाउन है और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। विजिबिलिटी भी काफ़ी कम है, आप देख सकते हैं। आज हम आपको एक्सप्लोर करके दिखाएंगे अपना गाँव और अपने खेत। अभी हम आ गए अपने खेत पर। आप जैसे कि आप पीछे देख सकते हो, यह हमारा खेत और फिलहाल इसके अंदर हमने गेहूं की फसल लगाई हुई है। फ्रेंड्स, मैं आपको एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा सरसों की खेती, जो कि आपने देखी भी होगी और जिन लोगों ने नहीं देखी वो आप देख सकते हैं। यह है जी सरसों की खेती और देखिए पीले पीले कितने सुंदर फूल हैं, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। दूर तक फैले पीले खेत, काफ़ी सुंदर नज़ारा है और ठंड भी काफ़ी है, तेज़ तेज़ हवाएं चल रही हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे होंगे। ये है जी अपना सरसों का खेत। तो आवारा पशु से बचने के लिए हमारे कज़िन ने ये लगाया हुआ है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये है आवारा पशु से बचाता है, पशु से देख के भाग जाते हैं। दोनों एक जैसे लग रहे हैं, पुतले और तू। तो यह है जी गन्ने का खेत, जैसे कि आप देख रहे हैं। गन्ना लेके आए और काफी सर्दी में हम लोग गन्ना एंजॉय कर रहे हैं। आप भी आज गन्ना खा सकते हैं। तो काफी सालों के बाद मैं आज खेत पर आया हूँ। जनरली मैं यहाँ रहता नहीं हूँ तो इधर आना कम ही होता है। तो हमारे खेत के पास एक बेरी का पेड़ है, तो ये बच्चे देखो बेर तोड़ रहे हैं। भाई मीठे बेर या ऐसे ही है? मीठे हैं बहुत भाई। जैसा कि आप देख सकते हो ये बेर लगे हुए हैं, ये बेर तोड़ रहे हैं। देना एक, ये देखिए बेर। ये खजूर के पेड़ देख सकते हैं, काफी पुराने हैं, तकरीबन 30 से 40 साल पुराने पेड़ हो चुके हैं। आप इनकी सुंदरता देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख रहे हैं ये है आलू के खेत।
तो अभी हम खेत पर आए थे और हमारे साथ आए हैं हमारे मोहल्ले के हमारे परिवार के बच्चे। तो कुछ कहना चाहोगे फ्रेंड्स? हेलो गाइस, हमारे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।